न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। खबर सीधी से है जहां के कलेक्टर मुजीब उर रहमान खान के नाम से बनी व्हाट्सएप आईडी और फेक फेसबुक प्रोफाइल के माध्यम से लोगों से तरह तरह की डिमांड्स की जा रही हैं। इन आईडी के जरिए जब लोगों के पास मैसेज पहुंचने लगे तब उन्होंने मामले से कलेक्टर को अवगत कराया, जिसके बाद कलेक्टर ने निर्देश जारी कर कहा कि उनकी आईडी से अगर किसी भी व्यक्ति से पैसे की डिमांड की जाती है या कर्मचारियों को कोई आदेश जारी किया जाता है तो उसे संज्ञान में ना लें। वही हद तो तब हो गई जब व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए जाने लगे, जिसके बाद सीधी कलेक्टर ने सभी से अपील की है कि कोई भी उस व्हाट्सएप और फेसबुक में जारी निर्देशों का पालन ना करे। फिलहाल कलेक्टर ने एसपी सीधी मुकेश श्रीवास्तव को मामले में सूचित किया है, जिसके बाद साइबर सेल के माध्यम से अकाउंट संचालित करने वाले की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। एक्चुअली कल ये बात ध्यान में आई थी, कुछ लोगों ने मेरे को वो स्क्रीनशॉट्स भेजे थे कि ये आपके फ़ोन नंबर और आपके फ़ोटो और नाम के साथ कुछ मैसेज करके कोई अमेजन से गिफ्ट्स वगैरह के बारे में कोई मैसेज कर रहा है। तो मैंने देखा कि मुझसे ये पूछना चाह रहे थे कि क्या आपका एक और कोई व्हाट्सएप आईडी है, तो मैंने बताया कि नहीं है, एक ही सिंगल आईडी यूज़ करता हूँ। तो वो जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने सबको, जितने भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें सबको खबर करी कि इसके झांसे में ना आए, और मैंने एसपी साहब के संज्ञान में भी लाया, थाने से भी कार्रवाई के लिए वहाँ पर कल जानकारी में ले आया था मैं, और उसकी जाँच चल रही है।